हेलो एवरीवन। तो कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और आज क्या गजब का मूव आया था लास्ट मोमेंट पर। अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी बैंक में तो कमाल ही हो गया था। और यहाँ के टाइम में देखेंगे कि जो हमारा निफ्टी था और निफ्टी बैंक था, दोनों बताया था, दोनों का चार्ट ऐसा पैरल देखा जा रहा था। यहाँ पे उन्होंने पुट का पोजिशन लगाया था, फिर उसके बाद दोबारा गया तो ये पोजिशन में एंट्री कराया था। उसके बाद रिकवरी आया था, तो उसमें तक 3 बजे तक अपना प्रॉफिट अच्छा हो गया था, तो काम खत्म। ये हमारा बैंक निफ्टी भी दिया था। शार्प अपने इसी लेवल से फॉल किया था, यहाँ से गया थे, जोन पहले ही बता चुके थे, यहाँ से जाएगा मार्केट बाउंस लेगा 47,478 के बारे में। कल इस पर लगभग लगभग चर्चा हुआ था, तो दिन भर मार्केट इस रेंज में रहा और शाम जाते जाते इसमें बहुत ही बेहतरीन किस्म का मूव देकर गया है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास दो दो सीन बचा है यहाँ पे, एक है निफ्टी, दूसरा है बैंक निफ्टी, और कल होने वाला है इसका एक्सपायरी हमारे निफ्टी का। तो चलिए जरा निफ्टी के बारे में चर्चा कर लिया जाए, पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी इसको देख लेते हैं हम लोग सही तरीके से कि क्या इसमें आगे का स्ट्रेटेजी अपना बन सकता है। देखेंगे जरा ध्यान से, बैंक निफ्टी क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये 47,906 के ऊपर में गया है। इसका 47,906 गया, 800 के आसपास मैंने एक बहुत तगड़ा सा हर्डल था इसके पास। हर्डल कैसे था जरा ध्यान से देखेंगे। हम चलते हैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, जरा 60 मिनट्स पे आ जाते हैं, तो आपको चीजें जरा और बेहतर किस्म के समझ में आएगी। थोड़ा सा इन सब चीजों को हटा देते हैं यहाँ पे, ये भी हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को भी हटा दिया हमने। चलो ठीक है, अब देखो क्यों कह रहे थे इसमें बहुत बड़ा सा हर्डल है। ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट दिया हुआ है, किसका, बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखोगे ध्यान से यहाँ पे क्या था कि ये जो कैंडल बना इसके बाद सीधा सा मूव यहाँ पे आया था अचानक से, और एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये जनरेट हो गया था। ध्यान से देखना जरा, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। अब क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप था, इसी में रिजेक्शन 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 ले रहा था, इसी के बीच में अटका हुआ था। ध्यान से देखोगे ना, एकदम इसी पार्ट से 2 बार एग्जैक्टली इसी लेवल से बाउंस लेकर आया था। एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, एक बार गया तो और इसमें तगड़ा प्रेशर आया। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारा जो ये गैप था यहाँ पे गैप खत्म हो गया। फिर चलते चलते इसमें एक बहुत बढ़िया किस्म का मूव दिया और मार्केट में परफेक्ट क्लोजिंग यहाँ पे देकर गया। अब ये जो क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग अगर एवरेज क्लोजिंग अभी क्या आता है पता नहीं, ये क्लोजिंग अगर सस्टेन कर जाता है हमारा इस जगह से, इसके ऊपर में सस्टेन करता है इस वाले पॉइंट से, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एचएस जो अभी आने में इमीडिएट जो गैप है कुछ ऐसा गैप एचएस बहुत ज्यादा हेवी दिखने रहा है। एक गैप मेरे को यहाँ दिख रहा है, छोटा सा माइनर सा गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप यहाँ पे है और ये पॉइंट में ऐसा गैप होता है। अब फिर से वही है, डिसाइसिव मूव मिलेगा जब भी मिलेगा ना, तो बहुत तगड़ा सा। इस गैप के 50% जोन में हम ऑलरेडी इधर अंदर में है यहाँ पे, इस गैप में 50% जोन में हम ऑलरेडी इसके इन साइड में बैठे हुए। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी ये जो बहुत अच्छा सा इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अगर ये इस जगह पे क्लोजिंग देता है गैप में, अगर क्लोजिंग यहीं पे देता है, एवरेज क्लोजिंग अगर इसका आता है, तो हो सकता है इसमें एक बार नीचे की तरफ डाउन ले और यहां से एक अपसाइड में मेरे को अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा हुआ तो। अब मार्केट का जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव बायस की तरफ हो चुका है। दूसरा पॉइंट अगर और देखें हम जरा, यहाँ पे जो टॉप से यहाँ पे वेव आ रहा था, इसमें जो आज यहाँ पे लो लगाया है वो सबसे डिसाइसिव लो लगाया जो अभी तक का लो था। और आज के इस लो में जरा हम एक बात और नोटिस करेंगे तो फिबोनाची के 0.5 लेवल के ऊपर में क्लोजिंग दिया, यानी कि 50% रिट्रेस हो चुका है। तो 50% रिट्रेस का मतलब क्या होता है कि ये वेव दिया है, ये डाउनसाइड है 50% से ज्यादा, 0.618 है, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर चला जाना है यहाँ पे, इस लेवल जो दिया है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, ये है लेवल, इस लेवल के अगर ऊपर में जाता है और अगर ये रुकता है तो ओनली हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेकर आ गया 0.068 जो दिया होता है, इसके लेवल होता है 47,947 के पास से रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो सिनारियो, एक तो एक इस बार डाउन से आता है और एक झटके देता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन इस लेवल को तोड़ना इसके लिए उतना आसान नहीं हो सकता। तो एक और हो सकता है कि एक अटेम्प्ट ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए, और तोड़ने में सक्सीड ना करे और तब यहाँ से नीचे की तरफ मूव दिखा दे, क्योंकि तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड मेरा रिवर्स हो गया है, जब तक ये जो जोन हो गया हमारा यहाँ पे, ये जोन आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये जोन तो इसका हो गया। अब दूसरा जो इसके बाद आया इमीडिएट सीधा सीधा नीचे चलते गया है, ये इसका इमीडिएट अभी यहाँ पे एक लो बना है क्रूशियल। अब क्या इसके बाद नेक्स्ट हाई ये होता है या इसके बाद नेक्स्ट हाई ये होता है, कहाँ पे होता है, तो कल के लिए जो इस मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये मेरा जोन हो जाएगा, ये जो दिया है 47,947 का, ये जो जोन हो गया इसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सही तरीके से क्रॉस करता है और एक सही क्लोजिंग देता है तभी अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि 47,947 के बाद यहाँ पे ट्रैप करके फिर से नीचे की तरफ ये एक बार आ जाए। ठीक है, यहाँ से जाए, कुछ लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करे और सीधा खट से नीचे की तरफ पहुंच जाए, तो काफी क्रूशियल होगा वॉच करना 47,947 के लेवल। इसके ऊपर जब तक क्रॉस करके नहीं रुके तो इसमें बुलिश बायस अभी भी नहीं रख सकते हैं, अभी भी नीचे का ही प्लान करेंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग, चलते हैं थोड़ा सा अपना जो कल एक्सपायरी होने वाला है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो निफ्टी पे जरा चर्चा करें तो मुझे देखने को मिलेगा कुछ
अच्छा ट्रेड शायद, क्योंकि आजकल तो देखो इसमें निफ्टी में तो सप्लाई जोन पे था आखिरी के टाइम में, तो इसको चलो हटा देते हैं इसमें सारे ड्रॉइंग से। इसके बाद हम लोग थोड़ा इस पे फ्रेश देखते हैं, हमारे पास निफ्टी का कौन सा चार्ट है, अवरली चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। इस अवरली चार्ट में देखेंगे तो ये ठीक ठाक मूव कर चुका है, ये अपना जो ये वेव था इसमें जो नीचे आया था इसमें अपना रिट्रेसमेंट का काम है अच्छा खासा पूरा कर लिया था, और ये मोर देन 50% के जोन में लाई कर रहा है। इसका तो 0.618 भी है, तो ये जो लेवल है ये लेवल तो ये क्रॉस कर चुका है, ये इसको पार कर चुका है ठीक है, इसके ऊपर जा चुका है। अब ये आज 0.786 786 है लेवल, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो इसमें तो हम निगेटिव बायस अब रख ही नहीं सकते हैं। इसमें एक चांस हो सकता है मेरा क्या हो कि जो ट्रेंड बनता है थोड़ा सा ऊपर जाके एक डिप मारे और फिर से आए कहाँ पे, ये हमारा जियो इसका 22,441 का जो लेवल दिया है 419 के आसपास जो भी है, या 21 के पास 420 के पास मान लो 22,420 आ जाए यहाँ से डिप मार के, तब एक ऊपर की तरफ मूव इसमें प्लान करे। इसमें जो निगेटिव बायस है अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, काफी अच्छा क्लोजिंग है हमारे निफ्टी फिफ्टी का, तो कल इसमें एक बेहतरीन ट्रेड मेरे को देखने को मिल सकता है। अब लेट सी कल कैसे बिहेव करता है, अगेन सप्लाई डिमांड पे अच्छा काम करेंगे, और आज का जो एक ट्रेड निकाला हमने सप्लाई डिमांड पे इतना औसम है, लाइव अपलोडेड है यूट्यूब पे, कल भी जब एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी के अराउंड 2 o'clock पे लाइव करेंगे जो भी 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि सारा मजा तो उसी टाइम में होता है, तो उस समय देखेंगे और किस तरीके से काम होता है उस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो हमारा बैंक निफ्टी है उसमें थोड़ा सा निगेटिव बायस है अभी भी, लेकिन जो निफ्टी है स्ट्रांगली पॉजिटिव हो रखा है, तो सोच समझ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्ले कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आया सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ट्रेडिंग को एक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, थॉरली सीखना चाहते हैं अंडर अ मेंटरशिप गाइडेंस जो आपके ट्रेड को एनालाइज करे, आपकी गलतियों को बताए और आपको सुधारने के लिए मजबूर कर दे, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया होगा, जाइएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक जो भी फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइडेड होगी। सो थैंक यू सो मच अगर आप इंटर देखें तो, बाय बाय।